नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आयुषी महर्षि। चलिए शुरुआत कर लेते हैं न्यूज ब्लास्ट की कुछ बड़ी खबरों के साथ। दिल्ली में राहुल गांधी ने बुलाई कर्नाटक के नेताओं की बैठक और आज कर्नाटक के करीब 50 कांग्रेस नेताओं से राहुल गांधी मिलने वाले हैं। विधायकों सहित कांग्रेस नेताओं के 3 समूह के साथ में बैठक होनी है राहुल गांधी की, जिसमें 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी के मद्देनजर ये बैठक आयोजित की गई है। बैठक के बाद की जाए केसी वेणुगोपाल, सिद्धारमैया, डीके शिवकुमार, एचके पाटिल, रणदीप सिंह सुरजेवाला और कुछ अन्य शीर्ष पदाधिकारी भी इस बैठक में शामिल होने हैं। और देखिए, जिस तरह से एक शानदार जीत कांग्रेस पार्टी को कर्नाटक में मिली थी, ऐसे में राहुल गांधी एक महत्वपूर्ण बैठक आज करने वाले हैं। दिल्ली में राहुल गांधी ने कर्नाटक के नेताओं के साथ में बैठक बुलाई है, जिसमें कई प्रमुख नेता आज राहुल गांधी के साथ में बैठक करने वाले हैं। कर्नाटक के करीब 50 कांग्रेस नेताओं से मिलने का आज राहुल गांधी का कार्यक्रम है। ऐसे में देखिए इनकी बात की जाए, कई विधायकों सहित कई कांग्रेस नेताओं के 3 समूहों के साथ में राहुल गांधी आज बैठक करेंगे। वहीं क्योंकि देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी अब कांग्रेस पार्टी का पूरा फोकस है और उसी को लेकर उसी के मद्देनजर इस बैठक का आयोजन किया गया है। बैठक की बात की जाए, केसी वेणुगोपाल, सिद्धारमैया, डीके शिवकुमार, एचके पाटिल, साथ ही साथ रणदीप सिंह सुरजेवाला और साथ ही कई ऐसे बड़े चेहरे होंगे जो कि इस बैठक में शामिल होंगे। हालांकि देखने वाली बात होती है कि इस बैठक में आखिर क्या कुछ रणनीति कांग्रेस पार्टी की निकल के आती है, पर बैठक आज की बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। हरियाणा में हिंसा, भरतपुर में अलर्ट, 24 घंटे के लिए फिर बढ़ाई गई इंटरनेट बंद की समय की सीमा और अब कल सुबह 6 बजे तक इंटरनेट बंद रहने वाला है। मेवात इलाके के कामा पहाड़ी नगर सीकरी क्षेत्र की परिधि में इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह से बंद रहेंगी, यानी कि बाधित रहने वाली है। संभागीय आयुक्त ने आदेश जारी कर दिए हैं। भ्रामक अफवाहों, सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्टों को रोकने के लिए ये पाबंदी लगाई गई है, क्योंकि देखिए अक्सर देखने को मिलता है कि सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें फैलाई जाती है, अलग अलग फोटोज वीडियोज जो है वो वायरल होने लगते हैं। ऐसे के अंदर अब इंटरनेट पर की जो सेवाएं हैं उन्हें बाधित रखा गया है। लीज लाइन और ब्रॉडबैंड की सेवाएं हालांकि इस समय पूरी तरह से सुचारू रहने वाली है। हरियाणा में जिस तरह से हिंसा चल रही है, भरतपुर में जिस तरह से अलर्ट जारी किया गया है, ऐसे में 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद के समय की सीमा को और भी बढ़ा दिया गया है। यानी कि फिलहाल जो इंटरनेट की जो सेवाएं थी उन्हें बंद रखा गया था और अब उसको 24 घंटे के लिए और भी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है और अब कल सुबह 6 बजे तक इंटरनेट की सेवाएं पूरी तरह से बंद रहने वाली है। कुछ इलाकों के नाम आपको बता देते हैं। मेवात इलाकों के कामा पहाड़ी नगर सीकरी क्षेत्र की परिधि में इंटरनेट सेवाएं अब पूरी तरह से बंद रहने वाली है, बाधित रहने वाली है। संभागीय आयुक्त ने ये आदेश जारी किए हैं। और देखिए उद्देश्य क्या है, क्योंकि जिस तरह से भ्रामक अफवाहें फैलती है सोशल मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया पर भ्रामक फोटोज पोस्ट सामने आती है, उनको रोकने के लिए ये पाबंदी लगाई गई है। ऐसे में हालांकि देखिए इस दौरान लीज लाइन और ब्रॉडबैंड की सेवाएं सुचारू रहेंगी। और देखिए जो तस्वीर आप ये देख रहे हैं, हरियाणा और भरतपुर में जिस तरह से हिंसा देखी जा सकती है, ऐसे में भरतपुर में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है और इसके ऊपर 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं अब और भी बंद रहने वाली है। और अब थमेगा अच्छी बारिश का दौर। जून जुलाई में भरतपुर में अच्छी बरसात देखने को मिलेगी, वहीं अगस्त सितंबर में तरसाएगा मानसून। जुलाई महीने में इस बार 42% अधिक बारिश हुई। वहीं देखिए विपर जॉय के कारण भी जून में प्रदेश में हुई थी खूब बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक अगस्त सितंबर में औसत से कम बारिश होने वाली है और साथ ही तापमान में भी अपेक्षाकृत बढ़ोतरी होगी। अलनीनो का प्रभाव पड़ेगा देश भर के मानसून पर। और देखिए जिस तरह से अभी तक की बात की जाए तो अच्छी खासी बारिश देखने को मिल रही है, पर अब अच्छी बारिश का दौर कहीं ना कहीं थमने वाला है। जून जुलाई में भरतपुर में अच्छी बरसात देखने को मिली थी, वहीं अगस्त सितंबर की अगर बात कर ली जाए तो अगस्त सितंबर में मानसून तरसाने वाला है। जुलाई महीने में इस बार की बात करें तो 42% से अधिक बारिश हुई है। विपर जॉय के कारण भी जून में प्रदेश में खूब अच्छी बारिश देखने को मिली थी। वहीं देखिए मौसम विभाग के मुताबिक अगस्त सितंबर में औसत से कम बारिश इस बार होने वाली है और साथ ही तापमान में भी अपेक्षाकृत बढ़ोतरी होगी। अलनीनो का प्रभाव देश भर के मानसून पर पड़ेगा।
विंडीज के खिलाफ भारत की महाविजय, तीसरे और निर्णायक मुकाबले में विंडीज को 200 रन से रौंदा है भारत ने। भारत ने विंडीज के सामने 352 रन का विशाल लक्ष्य रखा था। ऐसे में शुभमन ने 85, ईशान ने 77, हार्दिक ने 70 और सैमसन ने 51 रन की पाली खेली और लक्ष्य का पीछा करने में उतरी विंडीज 151 रन पर ही ढेर हो गई। वहीं भारत की ओर से शार्दुल ने 4, मुकेश ने 3 और कुलदीप ने 2 विकेट झटके। भारत ने 2-1 से सीरीज अपने नाम कर ली है। वहीं शुभमन गिल मैन ऑफ द मैच रहे, जबकि ईशान किशन मैन ऑफ द सीरीज बन गए और अब 3 अगस्त से 5 मैचों की T20 सीरीज खेलेंगी दोनों टीमें। यानी कि देखिए, जिस तरह से अच्छी खासी बढ़त भारत ने बनाई थी वो विंडीज नहीं बना पाया। विंडीज के खिलाफ भारत की महाविजय देखने को मिली। तीसरे और निर्णायक मुकाबले की बात की जाए तो विंडीज को 200 रन से भारत ने रौंद दिया है। भारत ने विंडीज के सामने 352 रन का एक विशाल लक्ष्य रखा था, जिसमें शुभमन की बात की जाए, शुभमन ने 85, ईशान ने 77, हार्दिक ने 70 और सैमसन ने 51 रन की पारी खेली थी, जिसके बाद लक्ष्य का पीछा करने उतरी विंडीज 151 रनों पर ही ढेर हो गई। वहीं भारत की ओर से शार्दुल ने 4 और मुकेश ने 3 और साथ ही साथ कुलदीप ने 2 विकेट झटके, जिसके बाद भारत ने 2-1 से सीरीज को अपने नाम कर लिया। शुभमन गिल हालांकि देखिए इसके बाद मैन ऑफ द मैच बन गए, जबकि ईशान किशन मैन ऑफ द सीरीज बन गए और अब 3 अगस्त से 5 मैचों की T20 सीरीज खेलेगी दोनों टीमें। प्रदेश के पुलिस जवानों की मांग अब पूरी होगी और अब परीक्षा से नहीं DPC से होगी पदोन्नति और इसके लिए राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम का संशोधन किया जाएगा। पदोन्नत होने वाले पुलिस कर्मियों को केवल PCC पूरा करना होगा। वर्तमान सेवा नियमों में पदोन्नति के लिए योग्यता परीक्षा का प्रावधान है और ऐसे में देखिए जो मांग रखी जा रही थी प्रदेश के पुलिस जवानों के द्वारा, वो मांग अब पूरी होने जा रही है। यानी कि देखिए, परीक्षा से नहीं अब DPC से पदोन्नति होने वाली है और इसके लिए राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियमों का संशोधन भी होगा। पदोन्नत होने वाले पुलिसकर्मियों को न केवल PCC पूरा करना होगा बल्कि वर्तमान सेवा नियमों में पदोन्नति के लिए योग्यता परीक्षा का भी प्रावधान रखा गया है। विधायक जी मालामाल, विधायकों की संपत्ति पर ADR ने रिपोर्ट अब जारी कर दी है। देश के 4001 विधायकों के पास में 54,545 करोड़ की संपत्ति है। ऐसे में नागालैंड, मिजोरम और सिक्किम के बजट से ज्यादा ये आंकड़ा सामने आ चुका है। एक विधायक की औसत संपत्ति तकरीबन 13,76,00,000 रुपए बताई जा रही है। ऐसे में कर्नाटक के डिप्टी CM DK शिवकुमार सबसे अमीर विधायक हैं। DK शिवकुमार की संपत्ति की बात की जाए तो बहुत ही ज्यादा है ये। इसमें बात की जाए 1,413 करोड़ रुपए सामने आई है। वहीं भाजपा के 1,356 विधायकों के पास कुल संपत्ति है 16,234 करोड़ रुपए, जबकि कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के 719 विधायकों के पास है 15,998 करोड़ रुपए। और देखिए, इस पूरी राशि की बात की जाए तो ये कई ज्यादा मानी जा रही है। विधायक जो जिस तरह से मालामाल नजर आ रहे हैं, अब विधायकों की संपत्ति पर ADR ने रिपोर्ट भी जारी कर दी है। रिपोर्ट देखिए, आपको बता रहे हैं, चौंकाने वाली रिपोर्ट जो सामने आई है। देश के 4001 विधायकों के पास में 54,545 करोड़ रुपए की संपत्ति मिली है, जो कि नागालैंड, मिजोरम और सिक्किम के बजट से भी कई ज्यादा है। एक विधायक की औसत संपत्ति है 13.63 करोड़ रुपए। कर्नाटक के डिप्टी CM DK शिवकुमार की सबसे ज्यादा संपत्ति सामने आई है। सबसे अमीर विधायक हैं कर्नाटक के डिप्टी CM DK शिवकुमार। उनकी संपत्ति अब आपको बता देते हैं। DK शिवकुमार की संपत्ति है 1,413 करोड़ रुपए, जबकि भाजपा के 1,356 विधायकों के पास में कुल संपत्ति है 16,234 करोड़ रुपए। और देखिए, आंकड़ा सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। कांग्रेस की बात की जाए, कांग्रेस के 719 विधायकों के पास संपत्ति की बात की जाए तो उनके पास में है 15,798 करोड़ रुपए। ज्योति मौर्य की अब मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती है। SDM ज्योति मौर्य के खिलाफ जांच के आदेश अब सामने आ चुके हैं। पति आलोक मौर्य की शिकायत पर प्रदेश नियुक्ति विभाग ने ये जांच के आदेश दे दिए हैं।
आलोक मौर्या ने मुख्यमंत्री को पद लिखकर लेन देन संबंधी शिकायत की थी और ऐसे में अब जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है। ज्योति मौर्य, जिसको सोशल मीडिया पर भी आपने पूरा केस सुना होगा, अब इन दिनों की बात की जाए तो ये पूरा केस सुर्खियों में रहा है। ऐसे में देखिए, माना जा रहा है कि ज्योति मौर्य की मुश्किलें अब और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। एसडीएम ज्योति मौर्य के खिलाफ जांच के आदेश अब आ चुके हैं, क्योंकि जिस तरह से पति आलोक मौर्य ने शिकायत की थी, ऐसे में अब जांच पड़ताल